हाय गाइस, वेलकम टू क्रैकिंग कोड्स। सो आज देखते हैं कि पैटर्न कैसे काम करते हैं। ठीक है, तुम्हें किसी भी लैंग्वेज में पैटर्न प्रिंट करना है। आज सबसे सिंपलेस्ट केस ले रहे हैं, स्क्वायर पैटर्न हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं। जैसे 5x5 का एक स्क्वायर सा आपको बनता हुआ नज़र आ रहा होगा, तो सीरीज देखते जाना यार, पैटर्न समझ आते जाएंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो यार, पैटर्न का सबसे सिंपल फंडा होता है कि तुम सबसे पहले ग्रिड्स बना लो, मतलब समझ रहे हो। तो क्या करो कि सबसे पहले हम ग्रिड्स बना रहे हैं, ये हो गए अपने कॉलम्स, ये हो गई अपनी रोज। ठीक है, अब हमने ग्रिड बना ली। अब क्या करो, इसको ना नंबर कर दो। क्या करना है, नंबर करना है। कैसे, दूसरा पेन ले लेते हैं, उसको नंबर करना है। जैसे मैंने पहले को किया 1 2 3 4 5, अगेन 1 2 3 4 5। ठीक है, नंबर कर लिया। अब देखो, अब जनरली देखा होगा यार कि ज़्यादातर दो फॉर लूप से हम नॉर्मली सारे पैटर्न्स को ट्रीट करते हैं। ठीक है, अब पहला वाला जो फॉर लूप होता है, जो पहला वाला फॉर लूप होता है, फर्स्ट फॉर, या जिसे हम आउटर फॉर भी कहते हैं, वो किसके लिए होता है? वो होता है नंबर ऑफ रोज के लिए। और जो इनर वाला होता है, या जिसे हम सेकंड कहते हैं, सेकंड फॉर या फिर इनर वाला, वो होता है नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए। ठीक है यार, अब देखो तुमको क्या करना है। फिलहाल के लिए अपनी नंबर ऑफ रोज भी जो है 5 है, फिलहाल ये वाली प्रॉब्लम के लिए, और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 5 है, जैसा कि हम ऊपर देख सकते हैं। तो हमने स्टार्ट किया भाई, चलो पहला वाला फॉर ले लेते हैं। अब पहले वाले के लिए हमने ले लिया इंट आई, आई को चला दिया हमने 1 से, और कहां तक कि यार 5 बार चल जाए। 5 बार कैसे चल सकता है? या तो लेस देन 6 कर दो, या फिर लेस देन इक्वल टू 5 कर दो, आपकी चॉइस है। ठीक है, मैंने कर दिया लेस देन इक्वल टू 5। फिर क्या किया, आई को इंक्रीमेंट कर दिया, आई प्लस प्लस, आई इंक्रीमेंट हो गया। अब क्या करो, एज यूजल ब्रैकेट खोल दिया। ब्रैकेट खोल के अब लगाना अपन को इनर वाला फॉर। ठीक है, इनर वाला होता है किसके लिए, मान लो जे से डिनोट कर रहे हैं फिलहाल के लिए। अब इनर वाला होता है यार नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए, ऊपर बताया था। तो ये कितने, ये भी 5 है। चलो भाई ठीक है, तुम भी 5 तक चलो। ठीक है, अब क्या करना है, देखो इसको ना एक सेल की तरह कंसिडर करो। मैट्रिक्स में पढ़ा होगा कि जो तुम्हारा सेल सेल होता है, कि भाई ये 1,1 वाला है, ये स्टार। ठीक है, 1,1 पे क्या हो रहा है, स्टार प्रिंट हो रहा है। ठीक है, अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं, 1,2 पे क्या प्रिंट हो रहा है, स्टार प्रिंट हो रहा है। फिर से ऐसी 1,3 पे, ऐसी 1,4 5 सब पे। ठीक है, तो क्या है, ये हो गई तुम्हारी आई की वैल्यू, ये हो गई जे की वैल्यू। पहली बार में आई हमारा 1 है, दूसरी बार में जे भी हमारा 1 है पहली बार में ही। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब हमें यार, अगर सी प्लस प्लस में काम कर रहे हो तो सीधा सी आउट कर दो, कि भाई सी आउट स्टार प्रिंट कर दे। उसने उठा के स्टार प्रिंट कर दिया। अगर तुम उसमें कर रहे हो जावा में, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कर दो। ठीक है, ठीक है, मैं लिख देता हूं एक बार। ये है अपना सी प्लस प्लस वाला, और ये है अपना जावा का। ठीक है,
अब देखो तुमने ये किया, ठीक है, अब देखो गौर से देखना, इंपॉर्टेंट चीज है कि तुमने सोचा यार स्टार प्रिंट हो गया एक बार, जे की वैल्यू 1 थी, 1,1 पे उसने कर दिया। अगली बार क्या हुआ, जे इंक्रीमेंट हो गया 2 पे, हम गए जे को जे प्लस प्लस किया, जे की वैल्यू हो गई 2, उसने उठा के फिर से स्टार प्रिंट कर दिया। करते 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 हम 5 तक पहुंच गए। अब यार गौर से देखो, 5 के बाद पहुंचने के बाद जब आई की वैल्यू हमारी यहाँ पे 2 हो रही है, सेकेंड रो पे जा रहा है, तो सेकेंड रो पे वो कैसे है, खुद तो जाएगा नहीं कूद के। क्या करना है तुमको, नेक्स्ट लाइन पे लेके जाना है, ठीक है। अब चलो इसको हम नेक्स्ट लाइन पे ले जाते हैं। नेक्स्ट लाइन के लिए क्या कर सकते हैं, या तो बैक स्लैश एन लगा दो, ठीक है, या फिर आपने अपना जो सी प्लस प्लस होता है उसमें एक एंडल का ऑप्शन होता है ना, तो सॉरी यार ये जावा का थोड़ा गड़बड़ हो गया था, यहाँ पे एल एन नहीं आएगा, याद रखना एल एन मतलब होता है कि वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करके चला जाता है, ठीक है। चलो तो अब करते हैं, अब हमने किया यार, हम तो इसमें काम कर रहे हैं सी प्लस प्लस में, तो हमने हैंडल कर दिया, इसने ये ले आया नेक्स्ट लाइन, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, नेक्स्ट लाइन में आ गया, अपना लूप फिर से जे वाला 1 से चलेगा, स्टार प्रिंट करेगा, 5 बार स्टार प्रिंट करा, उसके बाद ये थर्ड में आया, थर्ड में आने के बाद वो दोबारा से नेक्स्ट लाइन में कॉल कर देगा, ठीक है। सिमिलरली अगर इसमें देखना है सिस्टम डॉट आउट डॉट, अब करना है हमें प्रिंट एलन, एलन मतलब नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करने के बाद, प्रिंट और याद रखना प्रिंट करने के बाद नेक्स्ट लाइन में जाता है, ठीक है कर्सर, तो इसमें हम कुछ भी नहीं डालेंगे, बस ब्लैंक छोड़ देंगे, अपने आप वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, ठीक है। तुम्हारा पैटर्न प्रिंट हो जाएगा, सी आउट एंडल होता रहेगा, नेक्स्ट लाइन में जाता रहेगा, और जैसे यहाँ पे आ जाएगा, जैसे आई की वैल्यू यहाँ पे 5 हो जाएगी, लूप एग्जिट कर जाएगा और तुम्हारा ये रिक्वायर्ड पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। यार पूरी सीरीज बनाऊंगा, ठीक है, पैटर्न्स के ऊपर, तो मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक बिल्कुल जड़ से उखाड़ देंगे, मतलब पैटर्न का कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना कहीं से भी किसी भी लेवल का, तुम लोग सॉल्व कर देना, मतलब इस लेवल का हो जाएगा तुम्हारा पैटर्न, ठीक है। तो पूरी सीरीज बनाऊंगा मैं पैटर्न पे, तो यार प्लीज सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, लाइक करोगे यार पता लग जाएगा कि यार अच्छा बनाया है कि नहीं, सो प्लीज कर देना, ओके, थैंक यू।